राफेल पर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को क्लीन चिट मिल तो गई, जिस पर अब बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरते हुए देश से माफी मांगने की मांग कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर राफेल पर फैलाए गए झूठ और मनगढ़ंत मर्यादाहीन बयानों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। राफेल मुद्दे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, और उनके खिलाफ यहां पर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ कहना है कि कांग्रेस ने देश की जनता को गुमराह किया है राफेल के मुद्दे पर, और अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है उसके बाद से ये लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो देश से माफी मांगे, देश की जनता से माफी मांगे, राहुल गांधी देश की जनता से मांगे, जिस तरह से उन्होंने राफेल के मुद्दे पर झूठ बोला है, देश को गुमराह किया है, उसको लेकर आज बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर उतर के। आपको बता दें कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर आज प्रदर्शन हो रहा है, उसी क्रम में यहां पर भी राजधानी लखनऊ में सड़कों पर उतरकर यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और राहुल गांधी से माफी मांगने की बात करके ऐसे नारे लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी के जो नेता हैं कार्यकर्ता, उनका कहना है कि राफेल मुद्दे पर लगातार कांग्रेस झूठ बोल रही है और उसको माफी मांगने को लेकर यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, के न्यूज लखनऊ। कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।